प्यारे विद्यार्थियों, हूँ थोड़ी NMMS ते NTSC की तैयारी वास्ते मैं आज इस वीडियो दे विच तुहानू पांच टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जिहड़े उम्मीद है कि इन पांच टाइप्स के विचों तुहानू घट्टो घट 10 तो 15 क्वेश्चन तुहानू पेपर दे विच मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ने। पूरी वीडियो ध्यान नाल देखियो, हर टाइप के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन होणगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होणगे। इस करके टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4 एंड टाइप 5 तक आप जावांगे। तो बिल्कुल ध्यान नाल हैडफोन लगा के बिल्कुल अटेंशनली इस वीडियो नूं देखना है ता जो तुहानूं क्वेश्चन समझ आ सकन। पहली टाइप असीं करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो, डायरेक्शन क्वेश्चन ने बेटा। निर्देश किहड़ा चित्र दूजिया नालों वखरा है, भिन्न है? किहड़ा चित्र दूजिया नालों पिन है? हुण आ तुहाडे कोल डायग्राम है, 77 क्वेश्चन जिहड़ा लिखा होया है। ये 2019 का पेपर है बेटा, 2019 के पेपर के जिहड़े क्वेश्चन आए ने उही समझा रहे हैं ता जो तुहानू पता लग सके कि पेपर के विच क्वेश्चन किदां आंदे हैं ते उस हल किदां करने हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, किहड़ा चित्र दूजिया नालों वखरा है। हुण आपां 77 क्वेश्चन देखण लगे हाँ। देखो बेटा, ये 77 क्वेश्चन है। हुण तुसीं ध्यान नाल ही देखना है कि इन्हां चारां चित्रां दे विच्चों केड़ा चित्र जिहड़ा है, केड़ा फिगर है, वह वखरा है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, इधर की है, 1, 2, 3 जिहड़े आ भरे हुए ने। इधर 2 भरे आ, इधर भी 2 भरे आ, इधर भी 2 भरे आ। तो हुण तुसीं हिसाब सोचो कि केड़ा वाला फिगर वखरा होएगा। बिल्कुल सही जवाब, पहला फिगर जिहड़ा है वह वखरा होएगा, क्योंकि बाकी सारे दे विच 2-2 खाने भरे ने, 1 दे विच ही 3 खाने भरे है। इसे तरह आप 77 क्वेश्चन किया है। हुण इसे तरह इसका अगला क्वेश्चन करांगे, 78वां क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, उहदे विच भी यही पता करना है कि किहड़ा फिगर वखरा है। हुण देखो बेटा, 78वां क्वेश्चन तुहाडे सामने है, इहदे विच ध्यान नाल देखना है कि किहड़ा फिगर वखरा है। इधर देखो खाली है ते इह भरा है, इदां ही है ना, देखो आ खाली ते उहदे नाल दा ही भरिया होया है, आ खाली उहदे नाल दा ही भरिया होया है, आ खाली ते उहदे नाल दा ही भरिया होया है। लेकिन बेटा जी, ये देखो, इस तीर दे विच खाली है ते दूजे तीर दे विच भरिया है, ते ये जिहड़ा फिगर है साडे कोल, ये फिगर वखरा है। उम्मीद समझ आ रही है तुहानू? ध्यान नाल देखना बेटा, ये साडी फस्ट टाइप चल रही है। इस टाइप दे विच तुहानू 4 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो पिछले साल जिहड़ा 2019 दे विच पेपर होया सीगा, उहदे विच बेटा ये 4 क्वेश्चन आए ने इस टाइप दे विचों, तो इस करके बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ध्यान देखियो अगला क्वेश्चन, आ देखो बेटा तीजा क्वेश्चन है साडा इस टाइप का। ध्यान देखो, ये एरो दे निशान ने, उहदे विच 1, 2, 3, 4 ते 5 एरो लगे, 1, 2, 3, 4 लगे ने, 1, 2, 3, 4, 5 एरो लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एरो लगे हुए हैं। तो साफ ही पता लग रहा है कि साडे कोल दूजा जिहड़ा डायग्राम है वह बाकी तिन्या नाल वखरा होएगा, है ना कि ना सौखा क्वेश्चन। हुण इहदा चौथा क्वेश्चन करांगे इस टाइप का। ये चौथा क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का, इहदे विच देखो एक स्केयर बन गया, वर्ग बन के एक लाइन बनी है, तो लाइन जिथे बनी है उत्थे ही एक पॉइंट लगा होया, बिंदू लगा होया है। इहदे विच भी लाइन के नाल ही बिंदू लगा होया है, इहदे विच भी लाइन के नाल ही बिंदू लगा होया, लेकिन चौथे फिगर के विच जिहड़ा बिंदू है वह लाइन के नाल ही उसके दूजे पासे लगा होया है। इहदा मतलब चौथे वाला डायग्राम जिहड़ा है बाकी तिन्या डायग्राम नाल वखरा है। तो सोचो तो सही, घट्टो घट्ट 4 क्वेश्चन देखो किन्ने ही सौखे सीगे। तो इस तरह साडी पहली टाइप जिहड़ी आ खत्म हुंदी है, जिहदे विच असीं इह देखणा सीगा कि 4 फिगर दे विचों किहड़ी एक फिगर इदां दी है जिहड़ी बाकी 3 फिगरां नाल मैच नहीं करदी सी। उम्मीद कर रहा तुहानूं पहली टाइप समझ आई होएगी। टाइप की सी, विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इस दे 4 क्वेश्चन कराए गए तुहानू। हुण टाइप 2 शुरू करन जा रहे हैं बेटा। टाइप 2 दे तुहानू 3 क्वेश्चन कराए जाणगे बेटा, ध्यान नाल देखना सारे ने। टाइप 2 3 क्वेश्चन बेटा। टाइप की कहती है कि चित्र एक्स नूं पूरा करन लई दित्ते गए 4 विकल्पां विच्चों प्रश्न चिन्ह लई चोन करो। मतलब की है कि आ डायग्राम दिता गया है, इहदे विच 4 हिस्सों च वंडिया होया है, 3 हिस्से दिते गए ने, चौथा पूछ रहा है केड़ा आएगा, क्वेश्चन मार्क दे विच की बनना चाहिदा है।
ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਨ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਲ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਿਕਰਨ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਲ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵਿਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਵਿਕਰਨ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਬਣੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਰਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਧਰ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਅਦ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਟੇਢੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਂਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡੱਬੇ ਆ, ਡੱਬਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਂਸਰ। ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਮ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਹਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਥੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਡ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। NMMS ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਡਾਈਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਈਓ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ 3 ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਐਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਐਮਬੈਡਿਡ ਇਨ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਫੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ, ਇਹ ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਐਲ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲ, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਪਰ ਐਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੈਕਟ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਪਰ, ਇੱਧਰ ਯੂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਯੂ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਸੇਮ ਫਿਗਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ 7 ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ,
हाँ देखो इधर सैवन भी बनिया है तो वी भी बन सकता है। हाँ देखो ये सैवन बन गया तो नाल ही आ देखो वी बन गया ना, तो बाकी किसी के विच भी सैवन है पर वी छोटा जहा है, देखो ना इधर गई है पूरी लाइन नहीं गई, इधर बन ही नहीं रहा। तो दूजा ऑप्शन थोड़ा तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, देखो बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना। तो बहुत सौखे क्वेश्चन ने बेटा, देख के लभना है कि चीज़ कितने लभ रही है, ये तो बहुत ही सौखे क्वेश्चन ने। इस तरह साड़ी ये तीजी टाइप वी कंप्लीट हो गई, जिसे असं तीन क्वेश्चन सीखे कि दिती हुई शेप चार दिती हुई फिगर के छुपी हुई है। हम आप चौथी टाइप कर जा रहे हैं जिसे असं फिर तीन क्वेश्चन करा। देखो इस वीडियो ने तो किन्ने क्वेश्चन करवा देने ने, 15 क्वेश्चन की ये वीडियो, उम्मीद है कि वो 10 to 15 क्वेश्चन इस टाइप के सेम तो नहीं मैं कह सकता, पर इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर के जरूर मिलने बेटा। तो टाइप 4 जिस पर 3 क्वेश्चन कर जा रहे हैं, कहते कि चित्र ए और बी आपस में किसी खास ढंग से संबंधित हैं, उस ही संबंध अनुसार चित्र सी और डी संबंध स्थापित करो। ए ते बी जिस तरह के हैं सी ते डी भी उस तरीके दे बना के देखने हैं। मतलब गल उत्थे आ गई कि साढ़े को चार डायग्राम दिते ने, तीन दिते गए ने, चौथा डायग्राम दसना है कि आंसर दे विचों केड़ा हो सकता है। ए ते बी दे विच जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप असी सी ते डी दे विच बनाना है। ध्यान नाल देखियो पहले फिगर दे विच की बनया है, देखो एक क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज बनया है जिहदे विच दो लाइना ने ते एक बिंदू है। हुण वो लाइना भी लाइना दो ही ने पर लाइना चेंज हो गई, बिंदू थोड़ा जा अगे शिफ्ट हो गया। हुण देखो सर्कल आ गया, सर्कल दे विच भी दो बिंदुआ ने ते एक दो लाइना ते एक बिंदु है। हुण सोचो आना तो सर्कल ही है, ये तो सारे पता है। हुण बिंदु जिहड़ा है वह पहला इधर सीगा फिर थोड़ा अगे वध्या, पहला इधर से तो थोड़ा अगे वधूगा, अगे वधन वाला तो इको ही है डायग्राम बेटा। ये जिहड़ा बिंदु है पिछे नूं आ गया, ये बिंदु होर पिछे नूं आ गया, सानू बिंदु जिहड़ा अगे लैके जाना है। ये बिंदु अगे जाण दा मतलब है साडे कोल किहड़ा ऑप्शन आया, ऑप्शन 4। बहुत सौखा है ना। इस तरह इस तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का दूजा क्वेश्चन ध्यान देखियो। हुण इस क्वेश्चन देखो बेटा, पहला डायग्राम दे विच आ लाइन लगी है, दूजे दे विच मतलब दूजे विच की होया इत्थों कैंची नाल कट दिता, कट के आ हिस्सा छड़ता आ हिस्सा इत्थे लिख लिया। इट मीनस की होया कि पहले डायग्राम दे विच जिहड़ी लाइन बनी सी उहनू कट दिता गया तो बाकी बचा डायग्राम अगे लिख दिता गया। सेम एज हेयर असी इस डायग्राम नू कट दांगे तो बचा जिहड़ा डायग्राम है वह साडे कोल आ वाला डायग्राम बचिया। देखो इस डायग्राम नू लभो अपने कोल कित्थे है, बिल्कुल मैच करता होया डायग्राम तुहाडे सामने है नंबर 2, क्योंकि 3 दे विच आ लाइन ते आ लाइन बराबर हो गई, जबकि आ लाइन वड्डी है आ लाइन छोटी है, आ वड्डी ते आ छोटी, इस करके ये डायग्राम साडा बिल्कुल मैच करता है इस क्वेश्चन मार्क वाली थान ते आ विच आन लई बेटा। तो इस तरह साडा दूजा क्वेश्चन भी इस टाइप का कंप्लीट हो चुका है। हुण तीजा क्वेश्चन करांगे। हुण इस क्वेश्चन देखो, पहले खाली सर्कल फिर उहदे विच 1, 2, 3, 4 लाइना, हुण खाली चतुर्भुज ते फिर 4 लाइना, किन्नी लाइना 1, 2 ते 3 लाइना नहीं हो सकदियां, 1, 2 ते 3 लाइना नहीं हो सकदियां, 1 ते 2 नहीं हो सकदियां, 1, 2, 3, 4 लाइना। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन तुहाडा राइट आंसर। तो इस तरह बेटा साडी चौथी टाइप भी कंप्लीट हो चुकी है, जिस विच असीं 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए ने। हुण आपां पंजवीं टाइप करन जा रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो तुहाडे वास्ते है, इस करके ध्यान नाल सुनो फिर इन्हें ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करो। ठीक है बेटा, हुण पंजवीं टाइप करन लगे हैं, ध्यान देखियो टाइप 5 जिहदे च असीं 2 क्वेश्चन करांगे बेटा। क्वेश्चन की है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किहड़ा चित्र आएगा। फिर उही गल आ गई कि 3 डायग्राम दिते ने, चौथे डायग्राम दे विच क्वेश्चन मार्क है, असीं दसना इन्हां चारां दे विचों क्वेश्चन मार्क दे विच किहड़ा डायग्राम ढुकवां सिद्ध हुंदा है। इस टाइप दे विच असीं 2 क्वेश्चन करांगे, ध्यान नाल देखना सारयां ने। तो देखो बेटा क्वेश्चन साडे कोल की है, पहला 1 सर्कल सीगा, फिर 1 तो बाद 2 हो गए, फिर 3 हो गए, तो अंडरस्टूड है ना बेटा 4 हो गए। आ ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, नहीं हो सकता, ये 1, 2, 3, 4 सर्कल वाला साडा आंसर होएगा। इस तरह साडा पहला क्वेश्चन जिहड़ा इस टाइप का कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां इस तों अगला दूजा क्वेश्चन करांगे, ध्यान देखियो। हुण इस क्वेश्चन च देखो, पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजावां वाला एक 6 भुज बनिया, तो एक केंद्र तो एक इधर नूं एरो लगा, फिर एक एरो इधर नूं वध गया, फिर एक एरो और वध गया, देखो वध गया ना,
फिर हुण एक एयर होर वधेगा तो इधर नू वधेगा ना, आ चीज़ बननी चाहिए इधर। हुण तुहाडे सामने है बेटा ये डायग्राम, इहदे नाल बिल्कुल मैच करता पिया। इस तरह बेटा सैकेंड क्वेश्चन भी साडा पंजवीं टाइप का कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करांगे तुहानू वधिया तरीके नाल समझ आया होगा। ये पांच टाइप्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ते बहुत ही स्कोरिंग टाइप्स ने बेटा, मतलब ये पांच टाइप दे विच तां कोई क्वेश्चन गलत होने दे चांस नहीं होने चाहिए तुहाडे। तो 15 क्वेश्चन बहुत होंगे ने बेटा, ये गलत बिल्कुल नहीं करने। ध्यान सुननी है वीडियो नू, दो बार तीन बार प्रैक्टिस करनी है, तो पक्का गरंटी है कि ये वाले क्वेश्चन तुहाडे गलत नहीं होणगे। तो इस तो पहले मैं तुहानू एक वीडियो भेजी सी जिहदे विच डाइस दे क्वेश्चन सीगे, डाइस दा क्वेश्चन पक्का आंदा एक, तो वह भी ध्यान नाल देख लियो। इस ते डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं उसका लिंक भी रख दूंगा ताकि तुसीं उत्थों भी देख सको। तो मेरे चैनल में बेटा सबसक्राइब जरूर कर दियो ताजो अगली वीडियो तुहाडे फोन ते अपने आप शो हो सके। तो इस वीडियो नू वध तो वध शेयर करियो अपने साथियों नाल, अपने सहपाठियों नाल, ताजो सारे इस वीडियो का लाभ लै सकन। ओके बेटा।